हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं, जो कि हमारे पास निकल कर आई है जिला परिषद पुणे की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये वैकेंसी है जिला परिषद पुणे रिक्रूटमेंट 2022, जिसे 195 मेडिकल ऑफिसर और लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी आपको 15,500 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपकी पुणे महाराष्ट्र ही होगी। अगर बात करें दोस्तों इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड की, तो इसे कंप्लीटली ऑफलाइन रखा गया है। चलिए दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में पोस्ट वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें सुपर स्पेशलिस्ट के लिए 3 पोस्ट है, गायनकोलॉजिस्ट के लिए 9 पोस्ट है, पेडियाट्रिशियन के लिए 7 पोस्ट है, एनेस्थेटिक के लिए 12 पोस्ट है, सर्जन के लिए 5 पोस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट के लिए 3 पोस्ट है, फिजिशियन के लिए 9 पोस्ट है, साइकेट्रिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, ऑर्थोपेडिक के लिए 2 पोस्ट है, ईएनटी सर्जन के लिए 1 पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर के लिए 71 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल के लिए 4 पोस्ट है, साइकोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर आयुष यूजी के लिए 6 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर आरबीएस के लिए 26 पोस्ट है, इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग के लिए 1 पोस्ट है, ऑडियोलॉजी टी एंड स्पीच थेरापिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है, एसटीएस सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट है, फिजियोथेरापिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, काउंसलर के लिए 6 पोस्ट है, तालुका ग्रुप ऑर्गेनाइजर के लिए 1 पोस्ट है, तालुका ग्रुप ऑर्गेनाइजर जिला के लिए 1 पोस्ट है, प्रोग्राम असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है, तालुका अकाउंटेंट के लिए 1 पोस्ट है, ब्लड टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 8 पोस्ट है, डेंटल टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, टीबी एसवी सुपरवाइजर के लिए 3 पोस्ट है। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया दोस्तों, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके सारी वैकेंसी डिटेल्स को आसानी से देख सकते हो। अगर बात करते हैं दोस्तों एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12 पास कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर डीएमएलटी डिग्री, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीएएमएस या डीएम, एमए, एमएससी, एमएसडब्ल्यू, यूजी या पीजी, आयुष या फिर ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब अगर बात कर ले दोस्तों पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये काफी ज्यादा संख्या में, तो इसे शॉर्ट वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए दोस्तों आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हो। अगर बात कर ले दोस्तों सैलरी डिटेल्स की, तो सैलरी डिटेल्स भी दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। इसे भी मैं एक बार शॉर्ट में आपके लिए मेंशन कर चुका हूं बिगिनिंग में ही कि सैलरी आपको 15,500 रुपए से लेकर 1,25,000 पर मंथ तक की मिल जाएगी। और अगर बात कर ले दोस्तों एप्लीकेशन फी की, तो रिजर्व कैंडिडेट को पे कर रहे 100 रुपए, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को पे कर रहे 150 रुपए। और वही एप्लीकेशन फी का पेमेंट अमाउंट दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू पे ही बेस्ड होगा। अब अगर अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया 2 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगी, जो कि 10 नवंबर 2022 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। साथ ही एक बात मैं और बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी डिटेल की जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है दोस्तों, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करें, जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।